नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कुटा हुआ मटन बनाने जा रहे हैं। कुटा हुआ मटन बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स आपके स्क्रीन पर हैं। साबुत लाल मिर्च कश्मीरी, 10-15 लहसुन की कलियां। साबुत लाल मिर्च को मैंने गर्म पानी में भिगो दिया था, जिससे कि वो सॉफ्ट हो जाए और आसानी से पिस जाए। 2 से 3 टेबलस्पून के करीब हमने 2 टेबलस्पून के करीब हमने सिरका लिया है, और सिरके में हमने लहसुन को और साबुत लाल मिर्च को पीस लिया है। मटन हमने बोनलेस लेना है, और उसे आप कूट लीजिए किसी चीज़ पर रखकर। जो हमने मसाला भी पीसा है उसमें हमने नमक मिक्स किया है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे कम से कम 1 घंटे के लिए रखें। मटन को अच्छे से लपेट लें सारे मसाले में मटन को, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे हाथ के हाथ भी बना सकते हैं उसी वक्त। सरसों का तेल या जो भी कुकिंग ऑयल में आप बनाना चाहते हैं, घी में, जिसमें भी। हल्दी पहले डाल दी है मैंने इसमें थोड़ी सी। हल्दी डालने से जो हमारा तेल है, फ्राई करते टाइम हमारा छींटे नहीं लगेंगी और आपके हाथ पैर हाथों में लगेगा नहीं तेल, वरना इसकी छींटे बहुत उड़ती हैं फ्राई करते टाइम। अच्छे से हमें इसको मटन को उल्टा पलटा करके फ्राई करना है। मटन ने पानी छोड़ दिया है, तो अब हम इसको सिम पर करके गैस को और ढक्कन रख कर इसे पकाएंगे, जब तक कि मटन का पानी सूख ना जाए और हमारा मटन अच्छे से फ्राई ना हो जाए। तो इसी मटन अपने पानी में ही ये पक रहा है, इसमें हमने पानी नहीं डाला एक्स्ट्रा। जो पानी मटन ने छोड़ा था उसी में हमने उसे पकाया है। अच्छे से उसको दबा दबा कर अच्छे से उसका सारा पानी भी निकाल दीजिए और उसे अच्छे से फ्राई कर लो। उसी पैन में मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल लिया है, और प्याज को हमने एक प्याज हमने जो है डाला है बड़ा। आप अपना मटन के हिसाब से लें, अगर ज़्यादा मटन है तो आप 2 प्याज ले लें। थोड़ा सा लहसुन डाला है इसमें, लाल मिर्च पाउडर। पहले हमने कश्मीरी मिर्च ली थी साबुत, अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं। हल्दी हमने पहले ही डाल दी थी तेल में थोड़ी सी। तो टमाटर डाले हैं 2। ये जो मैंने मसाला डाला है, ये फ्राई करने के बाद जो बचा था हमारा वो है। अदरक इसमें डालते नहीं हैं। अदरक इसमें आप ऊपर गार्निशिंग के लिए आप ऊपर से डाल सकते हैं, लच्छे अदरक के, मटन जो हमने अभी फ्राई किया है। टमाटर मैंने 2 लिए थे, और उन्हें दरदरा मोटा मोटा थोड़ा पीस लिया है, बिल्कुल हलवा सा नहीं पीसना इसका बिल्कुल। नमक, नमक हमने मटन में भी मिलाया था थोड़ा, तो ध्यान से डालें नमक आप। मटन को हमने पहले ही पका लिया था फ्राई करते टाइम। हरा धनिया डाला है इसमें मैंने, सारा मसाले के संग जो ये भुनेगा अच्छे से। और ये हमारा मटन ये बिल्कुल गल गया है, पक गया है बिल्कुल। तो आप 2 इंग्रेडिएंट्स से मैंने ये बनाया है सिर्फ, तो आप अदरक के लच्छे डाल दीजिए ऊपर से। रेसिपी पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।